हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। चलिए एक्सरसाइज पार्ट थ्री, जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे। लास्ट में आप लोग देख रहे थे वेवलेंथ ऑफ तो लास्ट पॉइंट था हम लोगों का कि वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होता है। क्या पाए थे हम लोग? 1 बाय लेमडा इक्वल टू जेड माइनस बी आर, जेड माइनस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। और यह जेड माइनस बी कहाँ से आया? तो यह हम लोग देखे थे मोसलेस करेक्शन। तो मोसलेस क्या कहता है? मोसलेस करेक्शन से आया था। मोसलेस क्या कहता है कि अंडर रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी, कहता नॉट बी, जेड कहता है, कहता है कि जेड माइनस बी होता है, मीन्स कि न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी स्क्वायर। या पहले ऐसे कर सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी कहीं लिखा हुआ होता है, या न्यू इक्वल टू ए, न्यू इक्वल टू ए स्क्वायर जेड माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि न्यू बराबर अंडर रूट न्यू बराबर, एक लाइन पहले लिख दूँ और यहाँ पे, तो रूट न्यू बराबर क्या हो गया? एक कांस्टेंट ए जेड माइनस बी लिख सकते हैं इसको, या स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड से, जेड माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो देख रहे हैं यह कि न्यू स्क्वायर, यहाँ नहीं भाई, हाँ न्यू, रूट न्यू का स्क्वायर कर देंगे तो रूट न्यू का स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे कहते हैं मोसलेस करेक्शन। क्या है यह? यह है मोसलेस करेक्शन। क्लियर? आइए, तो इस मोसलेस करेक्शन कहता है कि वह जो जेड है, जो वेवलेंथ है, वह केवल जेड पर डिपेंड नहीं करता, वह जेड माइनस बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रूट न्यू बराबर होता है, रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जेड माइनस बी, जहाँ पर बी क्या है? बी है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बी क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो बी के विषय में हमने डिस्कस ऑलरेडी बीच कर चुका हूँ कि के सेल के लिए कितना होता है बी का मान। तो फॉर के सेल B इक्वल टू मान 1 होता है, ठीक। फॉर L सेल B की वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। फॉर M सेल के लिए B की वैल्यू कितनी बोला है हमने? 19 होती है। क्लियर? और ऐसे वैल्यूज हैं। तो यह है, यहाँ तक हो चुका है। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ से आगे, मैं यह नोट कर लिया इसी तरह से पॉइंट, है ना। आइए अब यहाँ पे देखा जाए, न्यू और जेड माइनस बी की इसमें, जेड माइनस बी के स्क्वायर के बीच में यदि ग्राफ की जाए तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखिए, इसके बीच में ग्राफ खींचा जाए रूट न्यू और जेड माइनस बी, तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखिए वाई बराबर, तो खींच के दिखाऊँ, आ जाइए, यहाँ पर आप ले लीजिए रूट न्यू जेड माइनस बी, तो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए। तो अब है पॉइंट हम लोग का कि सीरीज क्या होती है, किसी भी सीरीज की आप वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। तो चलिए चला जाए वहाँ पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स। हाँ, अब हम लोग को निकालना है, राइट द क्वेश्चन, व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ, व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट
लाइन ऑफ के सीरीज, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ के सीरीज फॉर एटॉमिक नंबर जेड। जेड एटॉमिक नंबर के लिए पहली लाइन के सीरीज की क्या होगी? चलिए, तो आप श्योर हैं के सीरीज क्या बनती है? चलिए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, सब हम लोग यही पढ़े हैं। आइए एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। के सीरीज एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री एंड सो ऑन, एन इक्वल टू इनफाइनाइट। के एल एम एन ओ एंड सो, क्लियर? तो के सीरीज है ना, के सीरीज में से वैकेंसी किसमें क्रिएट हुई होगी? के सेल में वैकेंसी, के सेल में क्रिएट हुई। तो यहाँ के सेल में वैकेंसी क्रिएट हुई है, यहाँ पर पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन एंड सो ऑन लास्ट लाइन। अब यहाँ पर इनफाइनाइट, अब यहाँ पर मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझिएगा इस पॉइंट, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। P100 फिजिक्स मैथ्स DP सर, आ जाइए। चले भाई, मैं यदि आपसे पूछूं कि के अल्फा लाइन पहली लाइन को अल्फा बोलते हो, तो ये हो गया लेमडा के अल्फा। जो दूसरी लाइन आई वो कौन सी हो गई? दूसरी लाइन कौन सी हुई? लेमडा के बीटा। तीसरी लाइन कौन सी हुई? तीसरी लाइन लेमडा के गामा एंड सो ऑन। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताइए, किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, कौन सबसे ज़्यादा है इसमें? ये सबसे ज़्यादा है कि यह है, कि यह है, कौन है? यह इनर्जी लेवल है, बहुत ही आसान तरीका, यह इनर्जी लेवल है। इनर्जी होगी मिनिमम, वेवलेंथ होगा मैक्सिमम। क्या बोला हूँ फिर से? इनर्जी होगी मिनिमम तो वेवलेंथ होगा मैक्सिमम। मीन्स तो इसकी एनर्जी इतनी, सबसे छोटी एनर्जी तो सबसे बड़ी वेवलेंथ। तो ऑर्डर कैसे लिखोगे? लैम्डा के अल्फा सबसे ज़्यादा होगा, फिर कौन होगा इसके बाद? लैम्डा के बीटा, फिर कौन होगा इसके बाद? लैम्डा के गामा एंड सो ऑन। तो यह तो एक सीरीज के लिए है, पहले सीरीज के लिए, के सीरीज के लिए, ऐसे ही एल एम एन किसी भी सीरीज के लिए यही होगा ना। अब चलिए अगला पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैसे समझोगे कि कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है? अब आ जाइए अगला पॉइंट। मैं कहूँ कि सबसे छोटी वेवलेंथ कौन, तो सबसे छोटी वेवलेंथ, सबसे छोटी, सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन, तो सबसे छोटी एनर्जी जहाँ पर होगी वो सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी। और मैं कहूँ कि सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन, तो जहाँ एनर्जी सबसे छोटी होगी, तो जहाँ एनर्जी सबसे छोटी हुआ सबसे बड़ी वेवलेंथ हो गई। तो सबसे छोटी वेवलेंथ कहाँ पर होगी? तो सबसे छोटी वेवलेंथ यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ पर होगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ पर होगा? क्लियर? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या कहाँ पर होगा? देखिए, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वहाँ पर होगा जहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वेयर एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम, वेयर एनर्जी इज मैक्सिमम। कहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होगा, किस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी मैक्सिमम होगी? जब N1 यानी कि जब N1 का मान होगा 1 और N2 की वैल्यू होगी कितनी? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो N2 इनफाइनाइट होगी
ध्यान दीजिए, नोट करिए अच्छी तरह से कॉपी में अपनी, कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब मिलेगा जब एन वन का मान वन होगा और एन टू बराबर इनफाइनाइट होगा। किसके लिए? फॉर के सेल, फॉर के सेल की बात हो रही है। तो फॉर के सेल, ये भी किसके लिए हो रही है बात? के सेल की बात हो रही है, के सेल। क्लियर? हम लोग के पास एक क्वेश्चन हमने लिया समझने के लिए अपने, कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द के सीरीज। तो के सीरीज की पहली लाइन का वेवलेंथ कैसे निकालोगे? तो चलिए, तो अभी निकाला जाएगा कि के सेल की पहली लाइन की वेवलेंथ है कैसे निकालोगे। लेकिन पहले तो सबसे छोटा सबसे बड़ा किसी का भी कैसे चेक करोगे? तो लेफ्ट, तो के सेल का सबसे छोटा कौन? तो के सेल का सबसे छोटा जहाँ एनर्जी सबसे बड़ी थी, सबसे एनर्जी यहाँ बड़ी थी, और के सेल का सबसे बड़ी वेवलेंथ जहाँ एनर्जी सबसे छोटी थी। तो क्या इतना पॉइंट आपने नोट कर लिया? अभी इसकी वैल्यू निकालने जाता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो पहले तो नोट करो जल्दी से, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ एनी सेल कैसे पता करोगे? क्या टेक्निक है इसकी? जहाँ पर एनर्जी सबसे छोटी वहाँ पर वेवलेंथ सबसे बड़ी, जहाँ पर एनर्जी सबसे बड़ी वहाँ पर वेवलेंथ सबसे छोटी। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक टेक्निक। आ जाओ अब करके दिखाते हैं, अब करके दिखाते हैं कैसे, कितना और कैसे। हाँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी में फास्ट नोट करते जाइए। आ जाइए, अब के सेल की पहली लाइन, तो वन अपॉन लेमडा के अल्फा, के सेल की पहली लाइन इक्वल टू फार्मूला क्या कहता है? आर जेड माइनस वन स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर। तो एन वन कौन है? जिसमें वैकेंसी क्रिएट हुई है, माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। पहली लाइन, पहली लाइन के सेल की पहली लाइन एन बराबर टू हो गया, तो एन टू बराबर टू हो गया, तो टू का स्क्वायर। सॉल्व दिस, वन ओके चले। तो अब और छोटा ही सब कर दिया जाए, ऊपर नोट करिए जल्दी फास्ट। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? के सेल की पहली लाइन। आइए यहाँ पे है जगह, यहाँ लिखता हूँ। तो हम लोग पाए कि वन अपॉन लेमडा के अल्फा बराबर क्या मिला हम लोगों को? थ्री आर जेड माइनस वन, के सेल के लिए बी का मान वन होता है, अपॉन क्या? अपॉन फोर। तो देयरफॉर लेमडा के अल्फा बराबर कितना हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फोर अपॉन थ्री आर जेड माइनस वन स्क्वायर। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। अब या तो कहिए कि यह के सेल की पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन, तो के सेल की फर्स्ट वेवलेंथ कितना आ रहा है? के सेल का फर्स्ट वेवलेंथ, तो मिला हम लोगों को के सेल का फर्स्ट वेवलेंथ लेमडा के अल्फा इक्वल टू, तो लेमडा के अल्फा इक्वल टू कितना मिला हम लोगों को? फोर अपॉन थ्री आर जेड माइनस वन होल स्क्वायर। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। दिस इज द फर्स्ट लाइन, ये लाइन जो आई है पहली वाली लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन। अब पहली लाइन लेमडा के अल्फा इक्वल टू फोर अपॉन थ्री आर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। अब या तो कहे कि यह के सेल की पहली लाइन है, या तो कहिए कि दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ द के सीरीज। क्या कहिएगा इसी को? लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ
वेवलेंथ ऑफ के सीरीज, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ द के सीरीज, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ। एनर्जी सबसे छोटी, वेवलेंथ सबसे बड़ा, हो गया। चलिए अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जेड का मान दिया रहता, यानी कि एटॉमिक नंबर दिया रहता। किसका एटॉमिक नंबर? जो टारगेट मेटल, जो टारगेट है ना उसका एटॉमिक नंबर, यानी किस मेटल का बना हुआ है। मान लीजिए वह हो सकता 43 हो सकता है, 29 हो सकता है, 27 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी दिया रहेगा वह यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। आर क्या है? रिडेबर कॉन्स्टेंट, तो आर की वैल्यू नोट करिए। आर बराबर कितना बेटा? आर को कहते हैं रिडबर्ग, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? आर इक्वल टू 1.097 × 10⁷ पर मीटर। तो रिडबर्ग कांस्टेंट 1.097 × 10⁷ पर मीटर, पर मीटर। ओके, तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। तो क्या देखा हम लोगों ने? देखा हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, कंटिन्यूस एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती है। अब कंटिन्यूस एक्स रेज की वेवलेंथ कैसे निकालते हो, डॉन हंट लॉ क्या है, और फिर देख रहे हैं हम लोग मोसलेस करेक्शन देखा, फिर देखा उसके बाद में कि कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज की वेवलेंथ कैसे काउंट करोगे। तो दिस इज द प्रोसेस। अब आ जाइए अगला पॉइंट। मैं अभी क्या निकाला हूँ, दिस इज द, या तो कहें कि फर्स्ट लाइन सबकी फर्स्ट लाइन, सबकी किसी भी सेल की फर्स्ट लाइन जो होती है वही लॉन्गेस्ट लाइन होगी, उसकी याद रखना ऐसे सीधे सीधे। सबकी फर्स्ट लाइन ही उस सीरीज की लॉन्गेस्ट लाइन होती है, और सबकी जो लास्ट लाइन होती है वही सबसे छोटी होती है, यानी कि वही सबसे शॉर्टेस्ट होती है। तो फिलहाल के सेल के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो के सेल की बात रही, तो के सेल की लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी आई? लेमडा के अल्फा सो मच। अब के सेल की हम लोग जाते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखने कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। अगला पॉइंट नोट करिए, ये हो गया क्लियर। हाँ, तो अब हम देखने जा रहे हैं के सेल की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ के सेल एटॉमिक नंबर जेड के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ केसेल, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ केसेल। ओके, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ केसेल। चलिए, यह n इक्वल टू इनफाइनाइट तो n इक्वल टू इनफाइनाइट को यहाँ ऐसे डैश करके शो कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे n इक्वल टू इनफाइनाइट सपोज करिए जाए, तो और वैकेंसी कहाँ क्रिएट है? वैकेंसी n इक्वल टू 1 में वैकेंसी क्रिएट है, n इक्वल टू 1। तो जो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन हो सकता है वो ये हो सकता है पॉसिबल, या ट्रांजिशन हो सकता है मीन्स कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्स होनी चाहिए। तो दिस इज द मैक्स एनर्जी, मैक्सिमम मीन्स कि इसके लिए क्या करना होगा, n1 = 1 और n2 = ∞ रखना होगा। तो आया क्या? आया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ के सेल के अल्फा आप नहीं रखेंगे, के इनफाइनाइट नाम रख देंगे शॉर्टेस्ट के लिए, इक्वल टू क्या?
वन बाई एन वन का स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू इनफाइनाइट, वन बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही रहा और वन बाई इनफाइनाइट दैट इज जीरो, तो आया कितना वन अपॉन लेमडा के इन्फिनिटी इक्वल टू आर जेड माइनस वन का स्क्वायर हो गया, या लेमडा के इन्फिनिटी इक्वल टू कितना हुआ वन अपॉन आर जेड माइनस वन स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर। देखिए तो अब आपके सामने है क्या, हाँ देखिए यहाँ पर तो अब यहाँ देख रहे हैं कि लेमडा के अल्फा, तो लेमडा के अल्फा इक्वल टू वन अपॉन आर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो के सीरीज, इसका मतलब यह हुआ कि के सीरीज कहाँ से कहाँ तक, के सीरीज कहाँ से कहाँ तक, के सीरीज कहाँ से कहाँ तक, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मीन्स कि वन बाई वन अपॉन आर जेड माइनस वन होल स्क्वायर यहाँ से लेकर टू, यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है लॉन्गेस्ट, तो कहाँ से कहाँ तक फोर अपॉन थ्री, हाँ फोर अपॉन थ्री जेड माइनस थ्री आर है जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ये तो दिस इज द रेंज ऑफ के सेल, के सीरीज, दिस इज द रेंज ऑफ के सीरीज, तो के सीरीज की रेंज कहाँ से कहाँ तक हुई वन अपॉन आर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर टू फोर अपॉन थ्री आर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्स रेज के सीरीज क्या होती है, सीरीज अल्फा लाइन कैसे निकालते हो, बीटा गामा कैसे निकालते हो। चलो यदि आपका इतना क्लियर है तो सर्टेनली चाहे आईआईटी का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, यदि ये क्लियर है पूरी थ्योरी फैंटास्टिक आपकी, फटाफट आप आंसर दे सकते हैं, हो गया आगे बढ़ा जाए, चेक करिए यहाँ तक क्लियर हो गए, आ जाइए और आगे इसके। हाँ चले इसके आगे अगला पॉइंट, अब हम लोग का पॉइंट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है हाँ मोस्ट कस्टमर बेटा हो गया है, अब इसे बचा हुआ है एक लाइन बचा हुआ है वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटीज एक्स रेज, तो एक लाइन हेडिंग कर दीजिए वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज क्या होता है बेटा, व्हेन एक्स रेज ट्रेवल्स इन एनी एब्जॉर्प्टिव मीडियम then its intensity
डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। कैसे? ओके, देखा गया कि यह इसका इक्वेशन, दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, मीन्स कि जब एक्सरेज किसी एब्जॉर्टिव मीडियम में इंटर करता है, वैसे तो एक्सरेज की फ्री स्पेस में इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब किसी एब्जॉर्टिव मीडियम में एक्सरेज इंटर करती है तो उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई डिस्टेंस एक्स के साथ कैसे वैरी करती है, डिस्टेंस। तो देखते हैं कि आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, दिस इज द इक्वेशन वेयर वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ दिस, यह है वैल्यू आई नॉट, आई नॉट, ये वैल्यू आई नॉट। ओके, तो आई बराबर जीरो कब होगा, यदि एक्स बराबर इनफाइनाइट किया जाए तब आई बराबर आई, आई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, आई बराबर जीरो, मीन्स कि यह ग्राफ कैसा हुआ, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। इक्वेशन आई बराबर आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, व्हाट इज द म्यू, म्यू द एब्जॉर्टिव कोफिशियंट, तो म्यू इक्वल टू म्यू इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव कोफिशियंट, म्यू एब्जॉर्प्टिव कोफिशियंट बेटा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ओके कहते हैं लैम्बर्ट बैक्योर इक्वेशन। इस इक्वेशन का था बेटा नाम इसका है लैम्बर्ट लैम्बर्ट बैक्योर्स इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम बेटा लैम्बर्ट बैक्योर्स इक्वेशन, लैम्बर्ट बैक्योर बी ओ क्यू यू ई आर एस बेटा, लैम्बर्ट बैक्योर इक्वेशन। तो आई इक्वल टू सो मच, आई इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट इज द पीक वैल्यू यू नो, एक्स इज द डिस्टेंस, यानी कि जब एक्स रेज की इंटेंसिटी तो वैसे कॉन्स्टेंट होती है, स्पेस में कॉन्स्टेंट होती है, लेकिन जब किसी एब्जॉर्प्टिव मीडियम में जा रही होती है एक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लास में जा रही है, ग्लास सीट के अंदर हम भेज रहे हैं उसको, या किसी डेंस पाइप के अंदर भेज रहे हैं हम उसको, या डेंस सब्सटेंस के अंदर भेज रहे हैं उसको, यानी कि कोई एब्जॉर्प्टिव मीडिया जब होती है जहाँ पर एक्स रेज एब्जॉर्ब हो रही होती है, ओके, अवशोषित हो रही होती है, तब उसकी इंटेंसिटी कैसे वैरी करती है, तो डिस्टेंस के साथ उसकी ऐसे वैरी करती है, और म्यू है एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट, एक्स है डिस्टेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ कोई ये क्वेश्चन ले लिया जाए छोटा सा, कैसे घटती है यह, या ग्राफ याद हो गया होगा, क्लियर हो गए होंगे, लैम्बर्ट बैक्योर इक्वेशन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस एट विच इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, यानी कि कितने दूरी पर इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, आंसर निकाल दीजिए। यदि कहा जाए कि कितने दूरी पर इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, आई जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। और आपसे क्या कह रहा है कि आधा हो जाएगा, मीन्स कि आई
आई ये इक्वेशन है, मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स ना, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बेटा, ये मान इसको मान लेते हैं हम नंबर वन है, ये आई वन, तो आई वन इक्वल टू इतना है और आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा मीन्स क्या हुआ कि आई की वैल्यू जितना पहले है आई नॉट बाई टू हो जानी है ई पावर माइनस म्यू एक्स, ये एक्स है, ये एक्स मान लीजिए, इसको मान लिया जाए कि यह है एक्स डैश मान लेते हैं आई वन आई टू, और आई टू को कहा है आई वन, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड कर दीजिए तो आई टू बाई आई वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टू बाई आई वन कर दीजिए तो आई टू आई नॉट बाई टू ई पावर माइनस म्यू एक्स डैश अपॉन क्या आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स, अब आई नॉट कैंसिल, आई टू बाई आई वन एक टू वन बाई टू, वन बाई टू हाँ नीचे वन है, वन बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया या इस क्वेश्चन को ऐसे न किया जाए, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से शॉर्टकट में भी कर सकते हैं ना, हाँ सीधे कर देते हैं शॉर्टकट में आ जाइए, इससे आसानी से और भी सिंपल वे से हो जाएगा, जैसे आप रेडियो एक्टिविटी में करते हैं ना, आप वहाँ से कर सकते हैं इसे। देखिए पीक वैल्यू कह रहा आई हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा तो सीधे ही डायरेक्ट कर दीजिए, कैसे आधा यानी कि यह आई नॉट पहले मैक्सिमम वैल्यू ये थी, तो हाफ हो जाएगा, हाफ किसका हो जाएगा अपने मैक्सिमम वैल्यू का, तो सिंस इट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू आई नॉट, तो यही डायरेक्ट कर दीजिए, इक्वेशन मारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखिए आई नॉट ई पावर माइनस मी मैक्स, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल कर दीजिए, ये वन बाई टू है इसको दो कर दीजिए तो ये पावर बदल जाएगा ई पावर मी मैक्स हो जाएगा, दो साइड से लॉग ले लीजिए तो लॉग और टू ऑन बेस ई इक्वल टू मी मैक्स लॉग ऑफ ई ऑन बेस ई, तो जानते हैं इसका मान वन हो जाता है, ये वन हो गया तो लॉग ऑफ टू ऑन बेस ई इक्वल टू कितना हुआ म्यू एक्स, सीधे वैल्यू आ गई, डायरेक्ट आंसर आ गया, तो एक्स बराबर कितना हुआ लॉग ऑफ टू ऑन बेस ई अपॉन म्यू, दैट इज फैंटास्टिक आंसर, मीन्स कि कितने दूरी पर यदि हमको एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट की वैल्यू म्यू का मान पता है तो कितने दूरी पर वह हाफ हो जाएगी इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, तो एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ टू ऑन बेस ई अपॉन म्यू, दिस इज द आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका पहले, तो एक्स इक्वल टू सो मच, अब आप जानते हैं कि लॉग टू ऑन बेस ई का मान कितना होता है, तो लॉग टू ऑन बेस ई का मान होता है एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 0.6931 लिख सकते हैं और अपॉन म्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर, तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आइए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी लाइन, आपके एग्जाम में आईआईटी में पूछा गया, आपके आईआईटी एग्जाम में पूछा गया एक साल क्वेश्चन कि
इस तरह से क्वेश्चन आया, और यहां पर लिखा था लैम्डा सी, इसके नीचे लिखा हुआ था लैम्डा के, यहां पे था आई। इंटेंसिटी, और क्वेश्चन में पूछा गया एच या व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एंटी कैथोड इंक्रीजेस देन देन लैम्डा सी माइनस लैम्डा के। अब उसके बाद चार ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन, रिमेन्स कांस्टेंट, बी ऑप्शन, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। बोथ बोथ या एच नन, नन, अरे कोई नहीं, मार दीजिए आंसर। तो अभी आपको पूरी थ्योरी समझ में आई है फर्स्ट क्लास, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। हाँ, आंसर मारिए जल्दी। ऑप्शन ए रिमेन्स कांस्टेंट, बी ऑप्शन इंक्रीजेस, सी ऑप्शन डिक्रीजेस, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। किसे मारेंगे? हाँ, जो अच्छा लगे मारिए फटाफट। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स, 300 फिजिक्स, मारिए जल्दी फटाफट। तो रिमेन्स कांस्टेंट मार दिया जाए? नो, किसे मारेंगे भाई, क्या कॉन्सेप्ट होगा? तो इंक्रीजेस, यस, हाँ इंक्रीजेस, बिल्कुल सही, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, बिल्कुल गुड आंसर, इंक्रीजेस। सवाल है कैसे? अब यदि आपकी पूरी थ्योरी पीछे तैयार है एक्सरेज की, तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और यदि थ्योरी नहीं तैयार है तो यह क्वेश्चन टफ है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एंटी कैथोड इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा, ओके? तो पहली बात है कि कैथोड यू नो, जहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा था कुलिस ट्यूब में, वह कैथोड था, टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट था, और जिस पर जाके टारगेट, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहा है, वह एंटी कैथोड बोलते हैं, यानी एनोड है, यानी टारगेट है। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो जानते हो कि दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पर ही तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो एक्सरेज बन रही है वह ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी एक्सरेज की। जब उसकी एनर्जी होगी ज़्यादा तो उसका पेनिट्रेशन पावर होगा ज़्यादा, होगा पक्का, श्योर। यानी कि यदि कहा जाए, मैं आपसे पूछूं कि वोल्टेज बढ़ाने का पेनिट्रेशन पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ा दिया गया तो पेनिट्रेशन पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कहोगे पेनिट्रेशन पावर का वैल्यू यानी पेनिट्रेटिव पावर बढ़ जाएगा। एज वोल्टेज इंक्रीजेस पेनिट्रेशन पावर इंक्रीजेस, ओके? लिख दो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रेज, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द एक्स रेज। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो
पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे पेनेट्रेटिंग पावर बढ़ता जाएगा, क्लियर। हाँ अब आ जाओ यहाँ पे, अपना आंसर दीजिए अब यहाँ से, व्हाट विल बी द आंसर हियर, आंसर क्या हुआ अब? हाँ जानते हो कि यह क्या है जिसको लैम्डा सी लिखा हुआ है, आप एक 100% कन्फर्म है ना कि यह क्या है? बोले जल्दी नाम इसका, लैम्डा मिनिमम मीन्स क्या? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है यह। और आप ये जानते हैं, डॉन हंट लॉ से जानते हैं कि लैम्डा मिनिमम इक्वल टू एच सी अपॉन ई वी, मीन्स क्या? लैम्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/V, वोल्टेज को बढ़ाएंगे लैम्डा मिनिमम घटेगा, लैम्डा मिनिमम घटेगा तो किधर शिफ्ट करेगा? जब वोल्टेज को आपने बढ़ा दिया तो लैम्डा मिनिमम इधर शिफ्ट कर गया, देखिए कर गया। जब आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो लैम्डा मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा मिनिमम देखिए ये इधर चेंज होगा ना, या मैं थ्योरी में डिस्कस किया था इस बात को, लैम्डा मिनिमम यहाँ हो जाए और लैम्डा मिनिमम बिकम्स मोर शॉर्टेस्ट, और छोटा हो गया। तो जब यह हुआ छोटा तो यह गैप हो गया बड़ा, हुआ ना, और यही आपसे पूछ रहा था कि गैप, गैप मीन्स लैम्डा सी माइनस लैम्डा के। अब आपका लैम्डा सी ये हो गया ना, तो लैम्डा सी और लैम्डा के यहाँ पर इसमें कोई अच्छा, और वोल्टेज के बढ़ाने का चूँकि यह पीक है और पीक के नीचे लैम्डा दिया हुआ है तो जानते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने का इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो लैम्डा के का मान क्या बना रहा? कांस्टेंट। और ये हो गया छोटा तो गैप, दिस गैप बिकम्स मोर, देयरफॉर दिस इज द गुड आंसर। और यह आपके IIT एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। देखिए यदि आपकी थ्योरी तैयार है तो कुछ भी एक ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो पेपर में आए, और आप यहाँ पर यदि आप पढ़ रहे हैं ठीक से, नोट्स बनाए हुए हैं, सारी लाइनें तैयार हैं, तो IIT नीट और बोर्ड के एग्ज़ाम से कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कि जो आप उसका आंसर आपको न मैच कर जाए, न मिल जाए डायरेक्ट। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी हम लोग की पूरी हो चुकी है एक्सरसाइज की, हम लोग को न्यूमेरिकल डिफरेंट डिफरेंट लेने हैं। हाँ आ जाइए क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। एक क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बिटवीन कैथोड एंड एंटी कैथोड इज 15,000 volt. What is velocity of emitted electrons? Most important question, मार दीजिए जल्दी फटाफट निशान। What is the velocity of emitted electrons? ऑप्शन में दे दूँ, 2.8 × 10⁸ meter per second, दूसरा ऑप्शन 1.5 × 10⁸ meter per second, तीसरा ऑप्शन है 2 × 10⁸ meter per second, और चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁸ meter per second। आंसर
3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, इनमें से चार ऑप्शन जब दिए हैं, इनमें कोई एक सही है, जल्दी मारिए निशान। चले कर रहे हैं, करिए आप जल्दी। हो गया, चलिए। कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन, थोड़ी भी डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। ओके, कंसेप्ट मीन्स पूरा डायग्राम आपके आंखों के सामने हो, वोल्टेज कहाँ पर दिया गया, इलेक्ट्रॉन की गाड़ी नहीं निकाली है तो कैसे निकालो, इलेक्ट्रॉन कहाँ मीट कर रहा है, उसकी एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वह एनर्जी किस फार्म में है, ये इसे यही कंसेप्ट है, सब कुछ डिटेल क्लियर हो। चलो बेटा, कूलिंग ट्यूब में जहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो आपका फिलामेंट था, टारगेट यहाँ पे था, बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस किए हैं इस पॉइंट को ना, इस पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया बेटा। तो ये टारगेट था, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट इस पर जानते हैं कि फास्ट यम मास है, इसका वेलोसिटी वी है, और ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ तक कोलिजन हो रहा था और ये एक्सरेज बन रही थी, ये था ना कंसेप्ट बेटा, यही कंसेप्ट आपका ना। ओके, ये एक्सरेज था, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, देखिए अब यहाँ और यहाँ के बीच का वही पोटेंशियल होता है क्या, वी, इसी के कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बार बार जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाती है तो यही पोटेंशियल होता है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा। ये तो टारगेट है, इसी को ना, इसको टारगेट कहते हैं, या इसी को एंटी कैथोड कहते हो, और जो फार्मूले में जेड आया था बेटा वह यही किस सब्सटेंस का है बना हुआ या किस मेटल का है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वही जेड उसमें रखना होता है, ठीक, वही जेड रखते हैं उसमें ना। और ये आपका एक्सरेज है, ये एक्सरेज है, कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट होती है, लिमिट कंटिन्यूस एक्सरेज में लिमिट बनती है, करंट हिस्ट्री में लिमिट बनती नहीं, कहाँ से कहाँ तक, तो लेमडा मिनिमम टू इन्फिनिटी। ओके, यानी कि वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक, तो लेमडा मिनिमम से इनफाइनाइट तक, ये सब पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अच्छी तरह से पढ़ डालिए सब। ओके, आ जाइए अब इसके पास में, जानते हो इनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से मिली, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस पोटेंशियल डिफरेंस से मिली। तो इसके पास एनर्जी, मैं कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, तो ई, और वोल्टेज है वी, तो वी, तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी सो मच जूल, इतनी एनर्जी इसके पास होनी चाहिए थी। और यह एनर्जी किस फॉर्म में होनी चाहिए थी, यह काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए थी, यानी कि दोनों एनर्जी आपस में क्या होनी है, दोनों एनर्जी आपस में बराबर होनी है। जो भी काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मिल रहा है तो क्या कहिएगा, कहिएगा कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ई इंटू वी। अब ई भी जब कहिएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में बदल देना है, इसको ई का मान रखेंगे तो जूल बन जाएगा, ई का मान रखिएगा तो जूल बन जाएगा, तो सो मच, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी, ई का मान रखेंगे तो जूल बन जाएगा वो। ओके, चलिए, तो ई वी, या हम लोग वेलोसिटी भी बतानी है, तो वी बराबर कितना हुआ, अंडर रूट क्या, टू ई वी अपान, देखिए टू ई वी अपान एम, दिस इज द वेलोसिटी। तो पूछा है कि वेलोसिटी कितनी आई 15,000 वोल्ट पर, तो वेलोसिटी आएगी टू ई वी अपान एम, सो मच मीटर पर सेकेंड, सो मच मीटर पर सेकेंड, नोट कर लिया। अब आइए इसको कैलकुलेट कर करके वैल्यू निकाल दिया जाए, कितनी इसकी वैल्यू आती है। चलिए बेटा ये हटा दें, थ्योरी पूरी हो गई, नोट करिए जल्दी, हो गया, आ जाइए इसको हटा दूं, हाँ अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है देखा जाए। चलिए वैल्यू रख दिया जाए, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट क्या, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ इंटू
15,000 वोल्ट, ई का मान रखा 15, वी का मान 15,000 वोल्ट दिया हुआ है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। एंड नाउ सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करो बेटा, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर, जो भी आएगा वही आंसर है। अब आएगा कितना, तो आइए देखा जाए कितना आ रहा। हाँ कितना आ रहा, तो यहाँ पर 1, 2, 3 तीन जीरो पहले हटा दो, ये हो गया 16, ये ऊपर पावर हो गया 16 हो गया, ठीक। अच्छा और यहाँ पर 15 × 2 तो हो गया 30, और 30 का एक जीरो और आया यानी कि 16 का हो गया 15। तो देखिए बेटा 15 × 2 30 हो गया, तो तीन लेता हूँ उसका, 30 का केवल तीन ले रहा हूँ, 1.6 इंटू, अब 30 का एक जीरो यहाँ था और तीन ये, चार जीरो हो गए, चार जीरो माइनस कर दिया इसमें से, तो हो जाएगा 15, तो 10⁻¹⁵। ऊपर वैल्यू सॉल्व हो गई, 15 × 2 30 आया था, 30 में से हम लोग जीरो ले चुके थे, तीन रखा बचा हुआ, 1.6 यहाँ पर हो गया है। अच्छा और यहाँ पर तीन जीरो था, ये 30 वाला जीरो था, चार जीरो, चार इसमें से माइनस कर दिया, 10⁻¹⁵ हो गया बेटा। नीचे जो बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ 9.1 × 10⁻³⁶, तो 10⁻³⁶ को बिहार नाली करके हम वो ऊपर कर दे रहे हैं, 10⁻³⁶ कर देता हूँ, नीचे 9.1, चलो तो 31 कर दिया जाए, तो 15 में से 31 में से इसको माइनस कर दिया जाए, माइनस कर दें 15, तो आ जाएगा कितना 16, तो 16, तो आया कितना, आ गया इक्वल टू अंडर रूट 16 × 3 48 हो गया, 4.8 हो गया, 4.8 × क्या 10⁻³⁶, 16 हो गया, 16 हो गया अपान कितना 9.1 हो गया। चलिए और छोटा कर दीजिए, तो और छोटा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 है या, तो 16 का 10⁻⁸ बाहर हो गया, 10⁻⁸ निकाल दिया जाए बाहर हो गया, तो आया कितना, तो अब ये आ रहा है 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, तो पहले ही बाहर हो गया, अंडर रूट 4.8/9.1 4.8 × 9.1 मीन्स 48/91, तो आया 48/91 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके चलो बेटा, अब यहाँ पर 48/91 तो नियर अबाउट 1.2 नियर अबाउट, हाँ 1.2 लिसा मान सकते हैं इसको, ठीक है, और 1.2 मान सकते हैं, तो अप्रॉक्स कितना रहा, हम लोग ऑप्शन क्या है 2.8 1.5 10⁸। अच्छा नियर अबाउट कितना आ जाएगा, ये सभी में 8 ही पावर है, हाँ सब में 8 पावर है, चलो तो सब में 8 पावर है, हाँ आ जाएगा, चलिए बताते हैं कितना आ जाएगा, हाँ बेटा आ जाओ, तो ये यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो लगभग 48 है ना, तो ये 48 × 2 जहाँ यदि कर दूँ तो 1/1 ऊपर है, रूट नीचे 2 है, तो देखो बेटा तो यह है यदि 48 से मैं डिवीजन कर दूँ 91 है, तो लगभग 2 टाइम्स, 2 से कुछ कम ही रहेगा, तो है ना 2 से कुछ कम ही आएगा, तो लगभग 2 टाइम्स, ठीक, और 1/√2 तो अच्छा, और यदि मैं ऐसे ले लूँ और एक मिनट 48 ले लूँ और इसको यदि 90 लिया होता बेटा, हाँ मान में वही बहुत अंतर पड़ेगा नहीं, तो 90 ले लूँ, तो यदि 90 लिया होता तो 3 से कट जाता ये 30 हो जाता, और ये 3 से 16 हो जाता,
और 16/30 होता, यानी कि लगभग कितना, तो अंडर रूट लगभग अप्रॉक्स में कितना आ जाता बेटा, 1.6 आता, अपान 3 होता, लगभग ये कितना हो गया 3, यानी कि 15, 1.5, तो 1.5 के आसपास, 1.5 के रूट 1.5, तो रूट 1.5 का मतलब कितना हो गया कि ये 0.2 या 0.5 के आसपास आएगा, हाँ 1.5 के आसपास आएगा, तो कौन सा है, 2 हो नहीं सकता बेटा, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये 1.5। अब पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था 2.2, ये हो नहीं सकता 1.5, तो आएगा आंसर बिकम्स 1.5, हाँ 1.5, तो आंसर आया बेटा इसका कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो 1.5×10^8 मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, अप्रॉक्स 1.5×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि यदि आपको वोल्टेज दिया गया हो तो आप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन बेटा अगला क्वेश्चन है कि वेवलेंथ ऑफ द के अल्फा रेस प्रोड्यूस बाय एन एक्स ए टू इज 1.785, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ट्यूब। चले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ के सीरीज इज, हाँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ के सीरीज इज 0.02 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मैटर। ओके, तो कोई भी वैल्यू ले लिया गया है यहाँ पर, कोई भी वैल्यू यहाँ में ले लिया गया है, क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है मैं टाइप बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू ले लिया है गया है, मतलब कोई वैल्यू ले लिया गया, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपके सीरीज इज 0.2 एंगस्ट्रॉम, तो कह रहा है कि एटॉमिक नंबर बताना हो तो क्या करेंगे, जल्दी करिए सॉल्व इट। चलिए के सीरीज शॉर्टेस्ट वैल्यू, अब पहले ये देखना होगा कि शॉर्टेस्ट वैल्यू पर एनर्जी मैक्स होगी, ध्यान देना है, बस ऐसे ही चेक करना। देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो लेमडा शॉर्टेस्ट, जब लेमडा होता है शॉर्टेस्ट तो एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी गैप मैक्स। पॉइंट याद रहे सब, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, लेमडा शॉर्टेस्ट, एनर्जी गैप मैक्स, और जब एनर्जी गैप मैक्स के सीरीज है, एन वन का मान हो गया 1, एन वन इज एटली 1 हो गया, और एन टू क्या हो गया, इनफाइनाइट। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/λ के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो हाँ तो एनर्जी मैक्स, तो लेमडा के इनफाइनाइट इक्वल टू आर जेड माइनस वन होल स्क्वायर, जानते हैं 1 - n1, तो 1/1² - 1/∞। क्लियर, सॉल्व दिस, तो 1/λ के इन्फिनिटी इक्वल टू क्या, आर
जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, यही ना। और ये क्या हो गया, ये तो वन हो गया। अब हाँ, अब आंसर कितना आया, तो लेमडा के इन्फिनिटी बराबर, लेमडा के इन्फिनिटी क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपके सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपके सीरीज, तो कितना हो गया, आ जाएगा वन अपान कितना आर जेड माइनस वन का स्क्वायर, हो गया। यहाँ तक नोट करिए जल्दी फास्ट, हाँ यहाँ तक नोट करिए फास्ट। हो गया, चलिए इसके आगे अब देखते हैं। हाँ नोट कर लिए होंगे, अब यहाँ से वैल्यू निकाल देना बेटा। चलो देखो ये प्रोसेस कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, अब ये सब आपका तैयार हो चुका होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपका ये सब तैयार हो गया है। चलो बेटा अब यहाँ पे देखो, तो अब ये वैल्यू आपको दी हुई थी, आपके क्वेश्चन में बताना क्या था, हम लोगों को लेमडा इसका मान दिया हुआ है, तो 0.2 दिया हुआ था एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मीन्स 10^-10 इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए आर 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 जेड माइनस वन का स्क्वायर। हमको किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमको जेड की वैल्यू चाहिए, तो पहले जेड माइनस वन को बाहर लाइए, तो जेड माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ, ये इधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन क्या 0.2 × 10^-10 एंगस्ट्रॉम है, रिडबर्ग कांस्टेंट का मान रख दीजिए 1.097 होता है, तो 1.1 अप्रॉक्स ले लिया जाता है × 10^7। देखिए तो जेड माइनस वन का स्क्वायर इधर भेज दीजिए, ये नीचे आ गया 0.2 एंगस्ट्रॉम है, 10^-10 हुआ, और आर की वैल्यू होती है 1.097 × 10^7 पर मीटर, तो 1.097 को 1.1 अप्रॉक्स ले लिया जाए, 1.1 क्लियर, 1.1 × 10^7 ओके, ये वैल्यू ली गई है यहाँ पे, आ जाइए तो जेड माइनस वन इक्वल टू कितना स्क्वायर बराबर अभी कितना हुआ, इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कर लिया जाए। देखो बेटा 10^7 है यहाँ पर, 10^7 है, और यहाँ पर 10^-10 है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा 10^-10, तो 10^-10 को हम ऊपर भेज दिया, 10^-10 है, ऊपर कर दिया जाए इसको, तो 10^-10 ऊपर गया, 7 है और -10 है, तो 10^-3 बचा, 10^3 ऊपर गया, 10^3 ऊपर गया, ऊपर जाके 10^3 हो गया, और नीचे कितना है अभी 0.2 यहाँ बचा हुआ है, और 1.1 हो गया। चलिए एक जीरो ले लूँ इसमें से, ऊपर 10 हो जाएगा, तो जेड माइनस वन का स्क्वायर बराबर कितना, वही जीरो ले लिया, ऊपर 10 हो गया, तो ऊपर 10 हो गया, 10 × 10^2, और नीचे कितना था, नीचे एक जीरो से, एक 10 से मल्टीप्लाई ऊपर और कर दे रहा हूँ, नीचे से जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो नीचे 2 हो गया है, 1.1 बचा हुआ है अभी, 2 किस लिए लिया हूँ, तो 2 यहाँ पे बता रहा हूँ अभी, देखिए 2 से ये कट गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया, और इसका मतलब ये हुआ कि 5 हो गया बेटा, तो इक्वल टू, चलिए अब थोड़ा और छोटा कर दूँ, देखिए ये 5 हो गया, और अभी ये मैं जो ये 10 लिया हुआ था, एक था यहाँ पर, 10^3 हो गया, यानी कि 5000 हो गया, हो गया एक 5000 हो गया, एक जीरो से जीरो मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 50,000 हो जाएगा, और नीचे अब आ गया 11 आ गया, नीचे आ गया, चलिए अब 11 आ गया। अब इसको मैं क्या करूँ, लगभग ये ले लेता हूँ हम लोग, 5 जीरो है ना, तो 5 जीरो बेटा, तो 4 जीरो है, 4 जीरो का 2 जीरो बाहर निकाल दिया जाए, नहीं तो अभी यहाँ पर जेड माइनस वन का स्क्वायर है ना बेटा, जेड माइनस वन का स्क्वायर है। चलो अब और आगे चल किया जाए, यहाँ इतना नोट करिए पहले, हो गया, आ जाइए। हाँ अब देखें, तो जेड माइनस वन बराबर कितना हुआ, जेड माइनस वन बराबर कितना हुआ, यदि 11 से डिवीजन कर दिया जाए इसमें,
तो अप्रॉक्स कितना आएगा? मैं तो बेटर तो ये रहेगा कि ये 4 जीरो का 2 जीरो पहले बाहर ले लिया जाए ना, तो यानी 100 हम लोग बाहर ले लें पहले, और अंदर कितना आया? अंदर आया कितना? 5 बाई 11, ओके। और 5 बाई 11, चले यदि ऊपर 100 है और अंदर क्या करूँ, अंदर मैं क्या कर रहा हूँ ना बेटा, कि इसको मैं 500 कर रहा हूँ, और 500 कर रहा हूँ और गुणे 10 पर माइनस 2 कर रहा हूँ, अनुमान में अंतर कोई पड़ा नहीं, नीचे ही 11 था, 11 ही रहने दो, 11 से डिवीजन कर दीजिए, तो ऐसे 100 रहने दीजिए अभी बाहर वाला। चलिए 44 हो गया, 40 11 गुणे 4 लगभग 44, गुणे 10 पर माइनस 2 लगभग, यानी कि 44 गुणे 10 पर माइनस, यहाँ पे 44 हुआ, तो यहाँ, हाँ बेटा एक सेकेंड, 11 गुणे 4 44 कर दिया, तो ये हुआ 44 हो गया ना बेटा, तो कितना बचेगा? 6 60 हो गया, और यहाँ लगभग 55, हाँ लगभग 55 ना, तो 45 इंटू 10 पावर माइनस 2 45 दशमलव में कुछ होगा, मैं दशमलव को छोड़ता हूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, दशमलव को छोड़ता हूँ, तो इक्वल टू, अब बाहर तो 100 था ही, अंदर देखना 45 है, तो इसका वर्गमूल लगभग कितना जाएगा 45 का, तो ये 36 और 49 यानी कि आ जाएगा 6.5 के आसपास आएगा बेटा, तो लगभग 0. ना देखो बेटा, तो ये आ जाएगा इनटू कितना, ये होगा 45 का हो जाएगा लगभग 6.5, 6.5, और 6.5 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 1 0.65 के अप्रॉक्स आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 100 से, ये आ गया लगभग 65, ओके लगभग 65। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो तो कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पर ना आ जाइए, तो ये जेड माइनस वन की वैल्यू है, देखिएगा एक बार फिर से देखा जाए यहाँ से, तो 5 बाई 11 था, 4 जीरो का 2 जीरो बाहर निकल गया था, फिर हमने क्या किया था यहाँ बेटा, कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 100 से डिवीजन कर दिया था, तो मान में कोई अंतर पड़ा नहीं, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो, नीचे वाला जो 2 जीरो ऊपर चला गया था, मान में कोई अंतर पड़ा नहीं, तो यह 500 कर दिया था, 500 बटा 11 कर दिया हूँ, ठीक। अच्छा 500 बटा 11, 11 से डिवीजन किया, तो 11 से डिवीजन किया, तो 11 से डिवीजन किया लगभग 45 दशमलव कुछ आएगा, दशमलव छोड़ा यहाँ पर मान लीजिए, लगभग छोड़ दिया जाए आगे, तो यदि 45 लिया जाए, तो 45 इंटू 10 पावर माइनस 2 है, अब 45 का वर्गमूल ले लिया हम लोगों ने, तो 45 का यदि ले लिया जाए वर्गमूल ले लिया जाए, तो 45 का, तो 45 का 6.5 के आसपास आएगा ना, 6.36 और 25, हाँ तो लगभग आया 6.5, और 10 पावर माइनस 2 है, तो 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 1 वर्गमूल हो गया, उसका रूट हो गया, यहाँ पर 6.5 यानी 0.1 और इधर आ गया ना, तो आ गया कितना 6.0, तो हाँ 10 पावर माइनस था, तो एक सेकेंड चेक कर लें थोड़ा सा, 0.65 आया ना, इंटू 10 पावर माइनस 1 आया था, हाँ ये आया था बेटा, हाँ ठीक है, तो 0.06 हाँ हो गया लगभग, वही आएगा तो लगभग 65, हाँ ये बात सही आ रहा है ना बेटा, हाँ अच्छा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो ये इतना आ गया था बेटा, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 0.65 है ना, तो 0 ये पॉइंट हटा दिया जाए, ले लिया हटा दिया जाए इसको, तो 0.06 होगा, तो यानी क्या जाएगा, या 0.65 है, 10 मल्टीप्लाई कर दूँ और 10 से डिवीजन कर दूँ बेटा, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया, अच्छा 0.0 अच्छा आ रहा है बेटा, हाँ तभी डाउट हो रहा था, 0 आ रहा है, 0.065, हाँ देखिए गलत हो रहा था बेटा, 0.065 आ रहा था, 0.065 आ रहा था बेटा, हाँ तो 0.065 था ना, तो 0.065 आ रहा था, अच्छा और 100 से फिर मल्टीप्लाई किया गया था, तो 100 से मल्टीप्लाई किया गया था, तो
6.5 आया, हाँ ठीक है 6.55 बेटा, 100 से मल्टीप्लाई जब करना था इसमें तो आया 6.5। ओके चलो ठीक है बेटा, और देखो तो जेड माइनस वन की वैल्यू आई है 6.5, यानी कि जेड बराबर कितना आएगा 6.5 प्लस वन यानी कि 7.5 समथिंग कुछ और रहा होगा इसमें, अप्रॉक्स 7.5 यानी कि अप्रॉक्स 8 लगभग अप्रॉक्स 8। यदि मान लिया दिया हुआ है, एक दिया है 6, दूसरा ऑप्शन दिया है 8, तीसरा ऑप्शन दिया है 10, दूसरा 12, तो हमको किस पे मारना था निशान 7.5 है, 7.5 पे अप्रॉक्सीमेटली हमको मारना था निशान 8 पर। तो एटॉमिक नंबर कितना था उसका, जेड बराबर 8 था, यानी आंसर हमारा कितना हुआ, जेड बराबर 8। क्लियर। चलो बेटा तो ये था प्रोसेस कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी दे सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, प्रोसेस हमको देखना है बेटा कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हो गया तो चलिए, बहुत सारे भी न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर ना, हाँ बहुत ही सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं है, तो लेकिन आप एक्स रेज हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक्स रेज में तीन पार्ट पढ़ा, तीन एपिसोड पढ़ा आपने, एक्स रेज फर्स्ट पार्ट, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, यह थर्ड पार्ट था ना। तो कैसे निकालेंगे आप वैल्यूज, अभी से बात, अभी थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक, फिर अभी मिलते हैं इसके बाद में पार्ट फोर, एक्स रेज पार्ट फोर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सभी हम सॉल्व करेंगे। तब तक इतना रिवाइज कर लीजिए, पार्ट वन से लेकर पार्ट थ्री तक सबका तैयार हो गया होगा, और बाकी जितने भी पीछे चैप्टर्स हैं मुझे उम्मीद है कि पूरा आपका ज़बरदस्त तैयार हो गया होगा, और इसके बाद में बहुत ही फास्ट अभी आपको सब फिनिश करते हैं आपका, यानी कि इसके बाद अभी हम लोग एक्सरे पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद मैं ले जा रहा हूँ रेडियो एक्टिविटी, तो जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी पढ़ाने के बाद में फिर लेता हूँ न्यूक्लियस, और फिर लेता हूँ न्यूक्लियस पढ़ाने के बाद में तब फिर लेता हूँ एटॉमिक पूरा स्ट्रक्चर, है ना, हाँ पूरा एटॉमिक यानी अंदर से बाहर की तरफ, तब एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके बेस्ट ऑफ लक।